आप देख रहे हैं न्यूज लाइन खबरों की तहतर। नमस्कार, मैं हूं सादिया खान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन खबरों की तहतर। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। जब किसी फिल्म अभिनेता का जन्मदिन होता है तो उसके फैन ये जरूर जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या किया होगा, कैसा केक आया होगा, किसको अपने जन्मदिन पर बुलाया होगा, तरह तरह के सवाल। हम अक्सर देखते हैं कि जब किसी नामी गिरामी हस्ती अपने घर पर या किसी होटल में पार्टी देता है तो वह अपने लेवल के ही व्यक्तियों को पार्टी में बुलाता है, मंत्री, अभिनेता या उद्योगपति। लेकिन हम आज आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने जन्मदिन की पार्टी में ऐसे किसी भी लोगों को नहीं बुलाते, बल्कि वो अपने फैंस के साथ अपना जन्मदिन मनाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के किंग खान, सुपरस्टार शाहरुख खान की। हम आपको बता दें कि अभी शाहरुख खान ने अपना 54वां जन्मदिन मनाया और उन्होंने अपने जन्मदिन की पार्टी मुंबई में बांद्रा स्थित सेंट एंड्रयूज कॉलेज के ऑडिटोरियम में रखी, जिसमें पूरे देश से लगभग 250 फैंस उनके साथ पार्टी में थे। शाहरुख खान ने अपने फैंस के साथ अपने जन्मदिन की पार्टी मनाई, केक काटा, डांस किया और सभी के साथ फोटो भी खिंचवाई। साथ ही उन्होंने अपनी फिल्मों के डायलॉग भी सुनाए। हम बता दें कि ये सारा आयोजन SRK की कंपनी रेड चिलीज ने किया। मुंबई से न्यूज लाइव के लिए महेश पांडे की रिपोर्ट। मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, मैं आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं। मेरे नैना, मेरी नैना को ढूंढता हूं, तुम उसे प्यार कहो, पागलपन या दिल की धड़कन, एक ही बात है, मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा। हम एक बार जीते हैं, हम एक बार जीते हैं, और प्यार भी एक बार। कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझे। ये मैं इस डायलॉग के बारे में मैं करण को भी आज मिलूंगा, अभी रात को तो उसको बताऊंगा। मुझे ऐसा लगता है ये दुनिया में किसी भी माशूका या माशूक को, मर्द को या औरत को, बेवकूफ बनाने की सबसे अच्छी लाइन। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, इसका क्या मतलब है? अगर आपके पास एक लड़का आया और उसने कहा कि राधिका मुझसे शादी, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। सपोज एक लड़की है, सीमा ने आके रवि को बोला कि रवि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अब इसका जवाब सुनिए आप। हम एक बार जीते हैं, हम एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है और प्यार एक बार होता है। तुम नहीं समझोगी सीमा, तुम नहीं समझोगे रवि, कुछ कुछ होता है। और लगता है ऐसे कि कितनी रोमांटिक बात कही है, फिर उसकी फ्रेंड पूछती है उससे कि रवि सीमा ने हाँ बोल दिया, इसे पता नहीं यार, उसने बोला कुछ कुछ होता है, मैं समझूंगी नहीं। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू मी द ग्रेटेस्ट डायलॉग करण जौहर हैज रिटन फॉर लवर्स विदाउट मेकिंग एनी कमिटमेंट टू एनी। Thanks to David Letterman and Nohin, it's Pooja's birthday also, ladies and gentlemen. अब समय हो चुका है ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव खबरों की तह तक।
न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी लखनऊ, जय हिंद ड्राई क्लीनर्स एंड डायर्स। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करें और आइकन बेल दबाना ना भूलें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक।